नमस्कार, NIOS के DLED कार्यक्रम में आप सभी शिक्षार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। शिक्षार्थियों, मैं प्रोफेसर निरंजन सहाय महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में साहित्य पढ़ाता हूँ, हिंदी साहित्य। आज हम लोग बातचीत करेंगे पठन की सामान्य शर्तों के बारे में, यानी पाठ्यक्रम संख्या 503 ब्लॉक 2 इकाई 5। पठन की सामान्य शर्तों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे बीच हैं डॉक्टर ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी जी। ज्ञानदेव जी, आपका स्वागत है। ज्ञानदेव जी प्राचार्य हैं मैत्रेय कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड मैनेजमेंट, हाजीपुर वैशाली बिहार में। ज्ञानदेव जी, जब भाषा हम लोग पढ़ते हैं तब उससे अर्जित होने वाले कौशलों की बात भी करते हैं। मुख्य रूप से चार तरह के कौशलों की बात की जाती है, जिसे सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना कहते हैं। यानी इसमें जो पढ़ना कौशल है उसका चरण तीसरा है। सुनने बोलने के बाद पढ़ने के कौशल की बातचीत की जाती है। तो आज हम लोग पठन की सामान्य शर्तों पर बातचीत करेंगे। ये जो कौशल अर्जित किए जाते हैं भाषा शिक्षा के माध्यम से, उससे जुड़ा हुआ मसला है। तो आपसे यह प्रश्न है कि पठन क्या है? ज्ञानदेव जी, इस पर प्रकाश डालिए और हमारे शिक्षार्थी इससे लाभान्वित होंगे। पठन की सामान्य शर्तें विषय पर बातचीत करने के क्रम में हमारी पहली जिज्ञासा यह बनती है कि पढ़ना आखिर है क्या? आज की इस बातचीत में हम लोग पाठ्यक्रम संख्या 503 के ब्लॉक 2 की इकाई 5 में वर्णित पठन की सामान्य शर्तों के अंतर्गत यह जानना चाहते हैं सबसे पहले कि पठन क्या है, पढ़ना क्या है। भाषा के चार कौशलों में एक महत्वपूर्ण कौशल जो एक तरह से पढ़ाई लिखाई के हिस्से आता है, यानी स्कूली शिक्षा के हिस्से आता है, वह पठन या पढ़ना है। पढ़ने की क्षमता इस मायने में शिक्षा की बुनियाद है कि इसके बिना किसी भी विषय और लिखे संदर्भ की कल्पना असंभव है। कहने का अर्थ यह है कि यदि आप में पढ़ने के कौशल का विकास नहीं हुआ या आप पढ़ने के कौशल से नहीं गुजरे, तो अभी की जो वर्तमान की जो शिक्षा व्यवस्था है, इसके बिना उस लिखी हुई दुनिया से या उस लिखे हुए संदर्भ से आप बिल्कुल बाहर हो जाएंगे। मुख्य धारा में रहना आपके लिए मुश्किल होगा। इस तरह हम यह समझने का प्रयास करें कि पढ़ना आखिर है क्या। पहले यह जान लें कि पढ़ना आखिर है क्या, उसकी अनिवार्यता क्या है। विचारकों और भाषाविदों का मानना है कि लिखे हुए से अर्थ गढ़ना ही पढ़ना है। जी, यानी लिखे हुए से अर्थ गढ़ना ही पढ़ना है। जैसा कि NCERT की एक बड़ी अच्छी पुस्तिका है, पढ़ना है समझना। तो यही बात है कि जो विचारक और भाषाविद मानते हैं कि अर्थ गढ़ना ही पढ़ना है, यानी यूं ही रट्टा मार देना और या बिना अर्थ के किसी चीज़ को पढ़ जाने को हम पढ़ना नहीं कहते। पढ़ने का वाचना है। जी जी, वह वाचना, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, वह वाचना है और अपने लिए कम दूसरों के लिए ज़्यादा हो सकता है। पढ़ने का अर्थ है लिखी हुई धारणाओं को गढ़ना और साथ ही विचारों को आपस में जोड़ पाना और उन्हें स्मृति में रखना, स्मृति का हिस्सा बनाना और रटना, ये दो बातें हैं। जैसे ही आप कहते हैं स्मृति में रखना, इसका अर्थ है कि जब स्मृति का हिस्सा हमारी वही चीज़ें बनती हैं जिससे जिसमें समझना जुड़ा हुआ हो। जो बिना समझ के है वही रटा हुआ है, जहाँ समझ शामिल है वो हमारी स्मृति का हिस्सा है। प्रायः पढ़ने की क्रिया उबाऊ रूप में स्कूली दिनचर्या में शामिल होती है, जो एक पुरानी पद्धति हम लोगों के यहाँ रही है और एक तरह से ये संस्कृत शिक्षा का विकृत रूप है, जहाँ संस्कृत पर ये के लिए यह कहा जाता है कि वहाँ तो सिर्फ रटने की गुंजाइश नहीं थी। मुझे लगता है कि दुनिया की ज्ञात भाषाओं में संवाद की जितनी शक्ति संस्कृत के पास थी उतनी शायद किसी दूसरी भाषा में हो, क्योंकि उसका प्राचीन साहित्य इस बात का गवाह है कि वह भाषा आगे बढ़ी ही है संवाद से। बिना संवाद, गुरु शिष्य संवाद को यदि आप निकाल दें, पिता पुत्र संवाद को निकाल दें, तो बहुत मुश्किल होगा
उसके साहित्य में और कुछ ढूंढ पाना। हालांकि गुरु शिष्य संवाद बाकी पाली और प्राकृत साहित्य में भी हैं, इसलिए अब जो प्राचीन या जो हमारी प्राचीन भाषाएं हैं या शास्त्रीय भाषाएं हैं, वहाँ सीखने का अर्थ रटना नहीं था, वहाँ तो समझ शामिल थी ही। इसलिए स्मृति का हिस्सा बनाने के लिए जो पढ़ने का कौशल है आज के संदर्भ में ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं। प्रायः विद्यालयीय वातावरण में रटंत पाठों के प्रति मोह होता है, जैसी चर्चा अभी मैंने आपसे की। कक्षाई प्रक्रियाओं में भी इससे सावधान रहने की आवश्यकता है या ज़रूरत है। मतलब ये नहीं कि अब बच्चा माथा करके ताला ला 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 माला ला इस तरह लगातार रट्टा मारवा देने का कोई फायदा है नहीं, यदि आप बिना समझ के किसी चीज़ को रट रहे हैं। अभ्यास एक अलग बात है और बिना समझ के रटवा देना एक अलग बात है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 ने इस मुद्दे पर संजीदगी से विचार करते हुए कहा है कि स्कूली पाठ्यक्रम सूचनाओं और रटंत पाठों से इतना भरे होते हैं कि सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ने का आनंद कहीं दूर छूट जाता है जी। पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में वैयक्तिक पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। आप स्वयं एक बच्चा स्वयं पढ़ने में आनंद लेने लगे, ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करना है। पढ़ना इसलिए कि उस बच्चे विशेष को पढ़ने में मजा आने लगे। पूरी कक्षा को आपने एक बार सरसों की बाली की तरह झुमा के कोई कविता पढ़ा दी, वो एक बात है, लेकिन एक बच्चा अकेले में भी उस कविता को पढ़े और सरसों की बाली की तरह झूमता रहे, वास्तव में पढ़ने का आनंद यही है। पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में वैयक्तिक पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है और शिक्षकों को इस संस्कृति का हिस्सा बनकर स्वयं उदाहरण पेश करना चाहिए। हम शिक्षकों को भी यह देखना चाहिए कि सच में पढ़ने का हम कितना आनंद उठाते हैं जी। यदि हमने उसका आनंद उठाना शुरू कर दिया और यह समझ बना ली कि पढ़ना इतना आनंददायी है, तब मुझे लगता है कि उसी अनुकूल हम पढ़ने की या पठन की जो शर्तें हैं उसे हम कक्षाओं तक लेके जा सकते जी, हैं जी। तो अनिवार्यता इस बात की है कि पढ़ना है समझना, इसको ध्यान में रखते हुए। पढ़ना अर्थ निर्माण है, पढ़ना सिर्फ रटाई नहीं है, पढ़ना एक आनंददायी प्रक्रिया है। इसको ध्यान में रखते हुए पहले हमें भी, हम सभी शिक्षकों को भी, हम हों या आप हों, चाहे प्रशिक्षक हों या प्रशिक्षु हों, शिक्षक हो, शिक्षार्थी हों, शिक्षिकाएँ हों, हम सभी को पहले इस पढ़ने का के आनंद को आत्मसात करना चाहिए और उसकी अनुभूति हमें होनी चाहिए। जब तक उसकी अनुभूति हमें नहीं होगी निरंजन जी, हम ये नहीं कह सकते कि पढ़ना इतनी आनंददायी क्रिया जी। शिक्षार्थियों, यह एक बहुत रोचक चर्चा है और हम लोग इस बात को आनंददायी तरीके से समझे कि पढ़ना बाँचना नहीं है, यानी किसी चीज़ को आप केवल पढ़ लेते हैं बिना समझे हुए तो उसे पढ़ना नहीं मानेंगे। पढ़ने का अर्थ समझना से अनिवार्यतः जुड़ा हुआ है और समझ का चस्का जब किसी विद्यार्थी या किसी शिक्षार्थी या किसी भी व्यक्ति में लगता है, तब उसके सामने एक अनंत रूपा संसार के अनेक पन्ने खुलने लगते हैं। लेकिन पढ़ने की यह जो दुनिया है वह रोशन हो, किताबें जो काम करती हैं, जो रोशनी फैलाती हैं, जो अंधेरे से लड़ती हैं, उसके पहले जो बात है वह यह समझने की ज़रूरत है कि इस रोशनी के लिए यानी पठन के लिए सामान्य शर्तें क्या हैं। जी जी। तो ज्ञानदेव जी, आपसे गुजारिश है कि जो सामान्य शर्तें हैं पठन की जी, इस पर शिक्षार्थियों को लाभान्वित करें। तो अपनी इस बात को आगे ले जाते हुए और आपके प्रश्न के साथ जोड़ते हुए, जहां हम लोग अभी बात कर रहे थे कि बच्चे बच्चियों में पठन की संस्कृति के विकास के साथ यह सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि शिक्षक शिक्षिका में भी इस संस्कृति का हिस्सा बनने की शक्ति हो यानी ताकत हो। पढ़ना वर्णमाला की पहचान, शब्द तथा वाक्यों को बोलना तो है ही, इससे आगे भी बहुत कुछ है जिसकी थोड़ी बहुत चर्चा हम लोगों ने अभी की है। लिखे हुए के अर्थ को समझ कर अपना नज़रिया बनाना और अपनी निजी समझ भी विकसित करना पढ़ने के कौशल का हिस्सा है जी। अपनी निजी राय बनाए किसी विषय पर जी। इस तरह शब्द के केवल हिज्जे बोलना ही पढ़ना नहीं है, पढ़ने का अर्थ लिखे हुए के साथ संवाद करना है जी। जो लिखा हुआ आप पढ़ रहे हैं उसके साथ भी एक संवाद में शामिल रहना है।
अपने अनुभवों एवं सैद्धांतिक संरचना के सांचे में लिखे हुए को ढालना है। इसको एक बार फिर से समझने की आवश्यकता है कि पढ़ने का अर्थ लिखे हुए के साथ संवाद करना, अपने अनुभवों एवं सैद्धांतिक संरचना के सांचे में लिखे हुए को ढालना है, जो भी लिखा हुआ है। और आपका हर आदमी अपने लिए एक दुनिया बनाता है या उसकी आदत बचपन से पढ़ने लगती है, तो आपकी जो सैद्धांतिक दुनिया है उसमें उस पढ़े हुए को कोई अर्थ मिल रहा है या नहीं, यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। फिर आपका अगला सवाल कि पठन की सामान्य शर्तें क्या हैं, इसे हम समझने का प्रयास करें कि पढ़ने की या पठन की सामान्य शर्तें, इसका आशय क्या है, यह पद क्या कहता है। इसका अर्थ हुआ पठन भाषाई कौशल के आधारभूत अर्थ यह होता है कि पठन किए के भाषाई कौशल के लिए आधारभूत परिस्थितियां क्या होंगी, कब हम कहेंगे कि पढ़ना हो गया, या आप कब कहेंगे कि पढ़ना है समझना, इसे आपने पूरा कर लिया। इनमें से जो पढ़ने की सामान्य शर्तें हैं उनमें से कुछ की पहचान हम इस तरह कर सकते हैं कि पढ़ने के भरपूर अवसर की उपलब्धता हो, यानी बच्चे के पास, हम जिसकी बात कर रहे हैं, हमारे ये सभी शिक्षक जो डीएलएड कर रहे हैं, ये इनका जुड़ाव प्रारंभिक शिक्षा से है, तो हम अभी बात कर रहे हैं अपनी प्राथमिक और मध्य या दोनों मिलाकर प्रारंभिक विद्यालयों के बारे में, कि पढ़ने के भरपूर अवसर की उपलब्धता हो। और हम यह न सोचें कि यह जो पढ़ने का सुख है यह सिर्फ भाषा की कक्षा में मिलता है, बल्कि हम यह भी जानें और जानने की कोशिश करें कि पढ़ने के और कौन कौन से अवसर हैं, विविध विषयों में एक बच्चे को पढ़ने के कितने अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। आमतौर पर हम यह जानने की कोशिश नहीं करते कि पहली कक्षा में बच्चे ने हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक से जो कुछ वाक्य या शब्द या वर्ण सीखे हैं उससे मेल खाती हुई उसकी गणित की किताब है या अलग है जी। ऐसा तो नहीं कि उसने हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसी बहुत सी चीजें नहीं सीखी हैं जो उसे गणित में सीखनी पड़ रही है जी, लेकिन गणित की कक्षा में भी भाषा सीखने का अवसर है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि यह गलत है। इसलिए पढ़ने के भरपूर अवसर की उपलब्धता का मतलब है कि हम हर कक्षा में इस आनंद के लिए वातावरण बनाएं, यानी पढ़ने के आनंद का वातावरण बनाएं और अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराएं, पढ़ना उद्देश्यपूर्ण और चुनौतीपूर्ण हो। कई बार होता यह है कि हम बच्चों के सामने कुछ ऐसी चीज़ें रखते हैं या डालते हैं जिसको समझने के लिए उनको संघर्ष करना पड़ता है, कई बार उनको पढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ता है जी। तो ऐसी चीज़ें भी पढ़ने को बढ़ावा देती हैं। देखिए, जब आप किसी चुनौती को पार करके आगे बढ़ते हैं तो उस आनंद का वह आनंद अलग किस्म का होगा। इसलिए पढ़ना उद्देश्यपूर्ण और चुनौतीपूर्ण हो, पठन सामग्री संदर्भपूर्ण हो। प्रारंभिक कक्षाओं के लिए यह बात कही जा सकती है कि जो पठन सामग्री है या पढ़ने की सामग्री है वह अपने संदर्भ से जुड़ी हुई हो, यानी उसका जुड़ाव अपने संदर्भ से हो। इससे अर्थबोध करने में बच्चों को सहूलियत हो जाएगी। इसीलिए यह प्राथमिक कक्षाओं के लिए तो एक तरह से अनिवार्य शर्त है कि हम अपनी सामग्री को अपने आसपास के संदर्भों से जोड़कर ही रखें और वैसे ही सामग्री बच्चों को पढ़ना सीखने के लिए उपलब्ध कराएं। भाषा की परिचित वाक्य संरचना का इस्तेमाल हो। प्रारंभ में यदि भाषा के विविध रूप सामने आने लगे तो हो सकता है कि एक बच्चे को सीखने में परेशानी हो, इसलिए जो वाक्य संरचना है जो उसके आसपास से मिलती जुलती है यदि आप उसमें उस भाषा का प्रयोग करें तो मुझे लगता है कि, और माना भी यही जाता है, कि फिर पढ़ने में सुविधा होगी। यानी आसपास हमारी जो परिवेश की जो भाषा है उसके अनुसार आप यदि प्रयोग करें। अब जैसे मान लीजिए कि बिहार में हम विद्यालय कहते हैं, मध्य प्रदेश में शाला कहते हैं, बिहार लोक निर्माण विभाग है तो उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग है, एक ही हिंदी में कई तरह के शब्द हैं। लेकिन अब बिहार में यदि आप कहीं शाला लिखने लगिए तो एक तो भोजपुरी भाषी क्षेत्रों में इसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा और बहुत सारे जो हमारे दस्तावेज हैं
और पुरानी चीज़ें हैं उसमें सिर्फ इस एक शब्द के कारण हम नहीं समझ पाएंगे कि यह हमारे विद्यालयों और पाठशालाओं पर की गई चर्चा है जी। तो इसलिए जो वहाँ की स्थानीय संरचना में जो शब्द हों उनसे मिले जुले वाक्य संरचना वाले यदि पद हैं, पदबंध हैं, पद हम देते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। पढ़ने का अपना कोना हो, तात्पर्य है कि हर वर्ग में कुछ ऐसी व्यवस्था हम रखें जिससे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का अवसर मिले। हम इसे थोड़ा विस्तार से जी जी समझने की चार जो शर्तें आपने बताई हैं, पढ़ने के भरपूर अवसर की उपलब्धता हो, पढ़ना उद्देश्यपूर्ण और चुनौतीपूर्ण हो, पठन सामग्री संदर्भ पूर्ण हो, भाषा की परिचित वाक्य संरचना का इस्तेमाल हो, पढ़ने का अपना कोना हो, ये पंच तत्व इन्हें जी 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 इन्हें विस्तार से समझने की जरूरत है। बिल्कुल, तो आपसे निवेदन है, आपने चर्चा की है लेकिन इसको और भी विस्तार से समझाइए। सबसे पहले यह समझें कि पढ़ने के भरपूर अवसर का आशय क्या है। इसके लिए दो तीन आधारभूत बातों पर ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहले शिक्षक शिक्षिकाओं को यह सुनिश्चित कर लेनी चाहिए कि पढ़ने के लिए जो सामग्री दी जा रही है वह विद्यार्थी के यानी शिक्षार्थी के स्तर का हो और सार्थक हो। दूसरी बात यह कि परिचित भाषा में हो। तीसरी बात यह कि पढ़ने और समझने के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराए जाएं, पढ़ने और समझने के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराए जाएं। सामग्री जो है वो विद्यार्थी के स्तर का हो। अब आप ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि घनानंद को चौथी कक्षा में पढ़ाकर आप कहें कि हमने बच्चे को पढ़ना सिखा दिया। परेशानी है, घनानंद जी का जब समय आएगा तो वो उसके जीवन में शामिल होंगे, लेकिन चौथी कक्षा में हो सकता है कि घनानंद जी की कुछ ऐसी भी रचनाएं हों जो चौथी कक्षा के बच्चों को भी लेकिन पढ़ने एक सामान्य बोध की आप चर्चा लेकिन एक सामान्य बोध पर मैं ये कह सकता हूँ, या जो हिंदी साहित्य की ही प्रारंभिक रचनाएं हैं जो आज बहुत ही कठिन है जिसका सामान्य अर्थ निकाल पाना, तो उसका बोझ मुझे लगता है कि प्रारंभ में नहीं डालना चाहिए। जी बिल्कुल सही। अच्छा ये होगा कि हम उनके आसपास की रचनाएं उन तक के माध्यम से उनको पढ़ना सीखने दें और पढ़ने का आनंद लेने लें। शिक्षक शिक्षिका बच्चे बच्चियों के साथ सार्थक संवाद करें, उनकी बातों को ध्यान से सुनें और दूसरों की बातचीत को सुनाने का मौका दें। यह भी जरूरी है क्योंकि जब हम भाषाई कौशलों की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि एक कौशल दूसरे कौशल पर आधारित है और इन चारों कौशलों में एक आपसी बहुत ही मजबूत गठजोड़ है जी। एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये एक दूसरे के सीखने को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे को नहीं सीखने को प्रभावित करते हैं। तो ये जो चार कौशल हैं, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना, सुबोपल्ली, इसमें जो दो कौशल हैं सुनना और बोलना, ये पढ़ने और लिखने दोनों के लिए अनिवार्य है जी। और सुनना और बोलना भी पढ़ना और लिखना के लिए उतना ही अनिवार्य है। यदि आप कुछ सुनते ही नहीं तो फिर लिखने में आपको परेशानी होगी। यदि आपने कोई ऐसी पुस्तक का नाम रखा जो मुझे पढ़नी चाहिए और मैंने अपनी कान बंद कर रखी है, सुना ही नहीं, तो फिर मैं वह उस किताब का आनंद तो नहीं ले सकता जी। तो इन चारों कौशलों को आप बिल्कुल अलग थलग रख के नहीं देख सकते और इसलिए आपस में जो बातचीत है, जो बतकही है, उसका अवसर सर्वाधिक मिलना चाहिए। यह भी पढ़ने को आपसी शिक्षक और छात्र का जो संवाद है, जो मौखिक संवाद है, वह भी उसके पढ़ने को प्रभावित करता है। पढ़ना सीखने में लिखित सामग्री को अक्षर, मात्रा, उच्चारण आदि में बांटकर टुकड़ों में सीखने से कोई मतलब नहीं निकलता और न ही ये सब किसी निश्चित क्रम में सीखे जा सकते हैं। पढ़ना सीखना पढ़कर ही सीखा जा सकता है, जैसे तैरना सीखना तैरकर ही सीखा जा सकता है। हम और आप सब जब बचपन में पहली बार स्कूल गए थे तो हम लोग अपने साथ अपनी मातृभाषा का सब कुछ लेके गए थे, कम से कम पूरा वाक्य बोलते हुए तो गए ही थे और गुरुजी को यह तो बताया ही था कि मेरा नाम ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी है। मैंने ये नहीं कहा होगा कि म आकार मे, र आकार रा, मेरा, न आकार नाम, म नाम, ग आकार ज्ञान, ज्ञान। लेकिन जाते ही स्कूल में पढ़ना सीखने की जो पद्धति थी वो यही थी। तो इसलिए इस फर्क को अब समझना चाहिए और
आज के संदर्भ में इस पर विचार करनी चाहिए कि हमें जो बच्चा मेरा नाम ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी कहता हुआ आता है उसको भी मैं कर्मेर कर राह से पढ़ाई शुरू कराएं, या उसकी शक्ति का अपनी कक्षाओं में उपयोग करें, यानी उसे अधिकाधिक पढ़ने का अवसर देकर पढ़ना सिखाएं, न कि उसको वर्णों और शब्दों के जाल में बझा कर रख लें और फंसा कर रख लें और वो पढ़ना उद्देश्यपूर्ण और चुनौतीपूर्ण हो, प्रायः कहा जाता है। इसके मतलब क्या है? पढ़ना उद्देश्यपूर्ण और चुनौतीपूर्ण हो, इसका आशय यह है कि विद्यार्थी पाठक के या किसी भी पाठक के लिए जो सामग्री मुहैया कराई जाए वह सार्थक और चुनौतीपूर्ण होनी चाहिए। दरअसल जब भी हम पढ़ते हैं तब कुछ न कुछ उद्देश्यों से संचालित होते हैं। इनमें से कुछ की पहचान करें, जैसे आनंद के लिए पढ़ना, जिज्ञासा के लिए पढ़ना, किसी कहानी या कविता के घटनाक्रम को जानने के लिए पढ़ना, अपने परिवेश में जो भी घटित हो रहा है उनका सजीव और सही चित्रण किसी रचना में हो रहा है या नहीं यह जानने के लिए पढ़ना, इस तरह के संदर्भों से रूबरू होने के लिए हम पढ़ते हैं। तो इसलिए पढ़ना जो है वो बिना किसी उद्देश्य के नहीं हो सकता, मतलब उद्देश्य ही नहीं हो सकता। वैसा पढ़ना भी, वैसे पढ़ने में कोई समझ शामिल नहीं होती। कक्षा कक्ष की ऐसी चुनौतियाँ जहाँ कुछ जानने बताने अनुभव बांटने के अवसर देती हैं, जिनसे बच्चे बच्चियों में पढ़ने की क्रिया आकर्षित करती है, अर्थ की चुनौतियाँ वैसे में अर्थ की चुनौतियाँ पढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। जैसे ही हम कक्षा में बच्चों को एक समृद्ध वातावरण उपलब्ध कराते हैं, वैसे ही कक्षा का रूपांतरण हम एक उत्साहपूर्ण कक्षा में कर देते हैं। सार्थक चुनौतीपूर्ण लिखित भाषा से भरे कक्षाई वातावरण में बच्चे बच्ची पढ़ने के प्रति आकर्षित होते हैं, यानी जहाँ उनके पास एक ऐसी चुनौती हो, एक ऐसी ऐसा कक्ष जिसमें उनके लिए चुनौतियाँ हों और वो उसको सीखना चाहते हैं, लेकिन आप उन्हें उत्साह उनमें देते हैं, उन्हें अभिप्रेरित करते हैं, तो मुझे लगता है कि पठन की ओर उनका बढ़ना ज़्यादा होता है। सुंदर जी, हाँ जी जी, आपकी चर्चा में बहुत बातें उभरी हैं। एक पद का व्यवहार किया जाता है, संदर्भ पूर्ण पठन। जी जी जी, अधिगम में संदर्भ पूर्ण पठन का क्या आशय है? निरंजन जी, कोई भी भाषा किसी संदर्भ में ही सीखी और पढ़ी जाती है। इस सिलसिले में प्रोफेसर कृष्ण कुमार का विश्लेषण ध्यान देने लायक है। उनके अनुसार वाक्य एक ऐसी बुनियादी संरचना है जिसमें कोई अर्थ प्रकट हो सकता है। इसे एक बार फिर से सुनने की आवश्यकता है कि वाक्य एक ऐसी बुनियादी संरचना है जिसमें कोई अर्थ प्रकट हो सकता है, और अक्सर अलग से वाक्य में कोई अर्थ नहीं होता। वो अर्थ तभी प्रकट होता है जब वाक्य किसी संदर्भ में इस्तेमाल किया जाए। जैसे अगर मैं कहूँ ये मेज खाली है, इसमें किताबें पड़ी हैं, अगर आप किसी बच्चे को यह पूरा वाक्य दें कि इस मेज पर यह किताब पड़ी है और वहाँ एक चित्र बना हुआ हो जिसमें एक मेज पर एक किताब पड़ी हुई हो, तो एक बच्चा जो बिल्कुल ही अक्षर पहचानना नहीं जानता, उससे भी अगर आप कहेंगे देखो यहाँ वो लिखा है जो वहाँ उस चित्र में बना है, तो बताओ यहाँ क्या लिखा है, यानी टेबल और उसको दिखा के, तो बच्चा अनुमान लगाएगा कि जरूर यहाँ मेज के बारे में कोई बात लिखी होगी। और अगर आप उसे दिखा दें कि यहाँ मेज लिखा हुआ है, तो अगली बार जब आप उसे मेज शब्द कहीं दिखाएंगे तो वह पहचान लेगा, भले ही वह म ए की मात्रा और ज लिखना नहीं जानता, अलग अलग मात्रा नहीं जानता या उस संदर्भ व्यवस्था में नहीं जानता, लेकिन संदर्भ लेकिन वो एक बार जब देखेगा मेज, अगली बार जब आप उसको मेज की वो आकृति दिखाएंगे, अब उसके लिए आकृति या शब्द क्या है, आकृति ही तो है, तो वह उस आकृति से वह इस मेज की पहचान कर लेगा। जी, यानी मेज को एक सार्थक संदर्भ मिल रहा है ऐसे में, क्योंकि एक सामग्री उसके सामने है। बाद में आप उससे बताएंगे कि इस मेज शब्द में ये दो आकृतियां हैं, आप चाहें तो उसे वर्णमाला पहचानने के लिए भी कह सकते हैं या कह सकती हैं, लेकिन ये जो क्रम है आज की परिस्थिति से उल्टा होगा। अभी हम लोग जो कर रहे हैं उल्टा है, कहना न होगा पढ़ना सिखाने की यह प्रमुख शर्त है कि संदर्भ की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। कहानियों और कविताओं की किताबें इस उद्देश्य के लिए एक रोचक संदर्भ हैं। यदि कहानी सुनाते सुनाते बीच बीच में रुका जाए, तब बच्चा या बच्ची
स्वाभाविक रूप से आगे का शब्द या वाक्य पूरा कर लेते हैं या कर लेते हैं जी। एक महत्वपूर्ण अवधारणा कहानी का सहज हिस्सा होती है, उदाहरण के लिए बड़ा छोटा, दूर पास, मोटा पतला आदि, और बच्चे या बच्ची इन्हें कहानी के माध्यम से खूब पकड़ते या पकड़ती हैं। कहानी के संदर्भ से इनका एहसास होता है और अभिनय से इनका अर्थ और स्पष्ट होता है। इतना ही नहीं, इसके अलावा बच्चों को संदर्भ के हिसाब से अपने आप को विभिन्न पात्रों और काल्पनिक स्थितियों में ढालने का मौका मिलता है। आरंभ में बच्चे सिर्फ कुछ पात्रों की कतिपय विशेषताओं की नकल करते हैं, जैसे उनकी चाल या अभिनय द्वारा उनकी देह भाषा का प्रकटीकरण करते हैं। उन्हें कुछ उदाहरण से हम समझ सकते हैं, जैसे बच्चे या बच्ची नकल कर उसका अनुमान लगाते हैं कि मुर्गा कैसे बोलता है, खरगोश कैसे फुदकता है, घोड़ा या गधा कैसे लात मारता है आदि। कहना न होगा कि ऐसे संदर्भ में बच्चे या बच्ची पढ़ने के लिए प्रवृत्त होते हैं। जो भाषा की परिचित वाक्य संरचना का इस्तेमाल है वो पढ़ने में कैसे होता है, यह भी जानना महत्वपूर्ण होगा। बच्चे बच्ची पढ़ते समय अपनी परिचित भाषा को आधार मानकर अनुमान द्वारा पढ़ते पढ़ाते हैं। पठन सामग्री विद्यार्थियों की भाषा के जितने करीब होगी, पढ़ना सीखना उतना ही आसान होगा। इसलिए कक्षा कक्ष में बच्चों की पढ़ी और सुनी हुई सामग्री से जुड़कर उसके उपयोग के अवसर देने चाहिए। जैसे बच्चे ने घर में या बाहर किसी से कोई कहानी सुनी हो और यदि वही कहानी उसे पढ़ने को मिले तो पढ़ना उसके लिए आसान होगा। अब विद्यालयों में जो पढ़ने का कोना, हम लोगों ने कहा कि पढ़ना एक आनंददायक क्रिया में तब्दील हो सकता है। इसके लिए जरूरी है कि स्कूल या कक्ष में एक ऐसी जगह हो जहां बाल पत्रिकाएं और पढ़ने का कोना होना जी चाहिए। बाल पत्रिकाएं हो, मतलब बच्चा ये समझे कि वहां जाने का अर्थ वहां पढ़ने के लिए कुछ सामग्री का उपलब्ध होना है जी। इन पुस्तकों में प्रकाशित कहानियों कविताओं का इस्तेमाल पढ़ने के कौशल के विकास में सार्थक तरीके से किया जा सकता है। किसी रचना को बार बार पढ़कर सुनाने से उसके प्रति जिज्ञासा का भाव जगता है, उसके अनुकरण की संभावना बढ़ जाती है। बार बार पढ़ने से घटनाक्रम, वाक्य विन्यास आदि की सुसंगत जानकारी मिल जाती है। इनका उपयोग अनुमान लगाकर पढ़ने की क्रिया के लिए संभव है। पढ़ने में रुचि बनी रहे इसके लिए जरूरी है बच्चे बच्चियों की रुचि और नवीनता का ध्यान पुस्तकों के संचयन में किया जाए। आखिर में यह कि पढ़ना कौशल को अर्जित करने के लिए उन शर्तों का होना जरूरी है जिनके ऊपर वर्णन किए गए हैं। पढ़ने के कौशल का संबंध लोकतंत्र की बुनियाद से है, जिसे NCERT ने इन शब्दों में की पुस्तकों में इन शब्दों में दर्ज किया गया है। भारत के संदर्भ में आधुनिकता का एक अन्य पहलू लोकतंत्र है, जिसकी बुनियाद में भी पढ़ने की क्षमता दिखाई देती है। यदि लोकतंत्र का एक अर्थ समाज चलाने में हर व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी है, तो इस अर्थ को सामान्य नागरिक तभी पूरी ताकत से निभा सकता है जब वह पढ़ना जानता हो। समाज के सांस्कृतिक परिवेश में भी पढ़ने की विशेष भूमिका है, क्योंकि अनुभवों की जानकारियों का संचार उसी हद तक संभव है जिस तक अपेक्षा की जा सकती हो, पर हर व्यक्ति पढ़ सकता है। इस लंबे उदाहरण से यह प्रकट होता है कि पढ़ना कैसे हर एक के लिए संभव है और पढ़ना कैसे सीखा जा सकता है, या पठन की जो सामान्य शर्तें हैं वो क्या है। इसके आलोक में, इसके आधार पर हम अपनी पढ़ने की रणनीति का धन्यवाद ज्ञानदेव जी। आपने इस बातचीत के क्रम में बताया कि पढ़ना क्रिया क्या है, पढ़ने के संदर्भ क्या हो सकते हैं, और इतना ही नहीं, शिक्षार्थियों आपने इस बात को भी समझा कि पढ़ना कैसे आनंददायी अनुभव बन सकता है और कैसे विद्यालय की जो स्थितियां हैं उसमें पढ़ने के कोने का विकास करके इसकी शर्तों को, यानी पढ़ने की शर्तों को, पठन की शर्तों को पाने में हमें सहायता मिलती है। मुझे विश्वास है कि आप सभी ने इस व्याख्यान से लाभ लिया होगा। इस बातचीत से पठन की सामान्य शर्तों को समझने में आपको सहायता मिली होगी। ज्ञानदेव जी, इस सार्थक बातचीत करने के लिए आपको धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।